हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साक्षात रसोई। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही बढ़िया सी चाट की रेसिपी, जिसका नाम है एटम बम चाट। इसका टेस्ट इतना धमाकेदार होता है कि इसका नाम ही हमने एटम बम चाट रख दिया। और ये चटपटी और टेस्टी होने के साथ साथ बहुत हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें हमने फ्राई की हुई एक भी चीज़ यूज़ नहीं की है। इसमें जो भी चीज़ें यूज़ हुई हैं वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। तो ऐसी फायदेमंद और टेस्टी सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मगर रेसिपी को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। एटम बम चाट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं ये 6 वाइल्ड पोटैटोस। इन्हें मैंने छील कर ले लिया है। और अब एक आलू को लेंगे और इसे बीचों बीच हम कट लगा लेंगे, ऐसे काट लेंगे। और अब दूसरी साइड से भी छोटा सा कट लगाएंगे ताकि ये खड़ा हो सके। ये देखिए, नहीं तो इधर उधर लुढ़क जाता। और अब कटे हुए पोटैटो को हम बीच में से स्कूप आउट करेंगे। स्पून की मदद से हम इसे स्कूप आउट कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल ऐसे, ये देखिए बिल्कुल ऐसे हमें इसे सावधानी से निकाल लेना है। और एकदम इसे हमें कटोरी की शेप दे देनी है। तो बस ऐसे ही हमें सारे आलुओं को कटोरी तैयार कर लेनी है। ये देखिए, सारे आलुओं को मैंने ऐसे स्कूप आउट करके कटोरी के रूप में तैयार कर लिया है। और ये जो आलू हमारे बच गए हैं ना टूटे हुए, इनको भी वेस्ट नहीं करना है। अभी इन्हें हम एक बाउल में रख लेते हैं, बाद में इसकी हम स्टफिंग तैयार करेंगे। तो अभी रखते हैं एक बाउल में। और अब तैयार करेंगे हम स्पेशल चाट मसाला। इसके लिए मैंने लिया है 3 टेबलस्पून जीरा। इसे हमें अच्छे से चलाते हुए धीमी आंच पर रोस्ट कर लेना है। बिल्कुल अच्छे से इसे हमें रोस्ट करना है, जब तक ये डार्क ब्राउन ना हो जाए। और इसके अंदर से एक अच्छी सी भुनने की खुशबू आने लग जाएगी। तो बस ये काफ़ी हद तक ब्राउन हो चुका है, तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हम ठंडा कर लेते हैं। तो अभी एक बॉल में हम निकाल लेते हैं और इसे रूम टेम्परेचर पे आने देते हैं। ठंडा होने के बाद इसे हम डाल देंगे मिक्सर ग्राइंडर में, और साथ ही डालेंगे 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून काला नमक, 1 टेबलस्पून अमचूर पाउडर, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून साधारण नमक। और अब इन सभी को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और अब हमने ग्राइंड करके इनका मसाला तैयार कर लिया है। तो स्पेशल चाट मसाला हमारा रेडी हो चुका है। तो अब एक बाउल ले लेंगे, इसमें जो बचे हुए आलू हैं टूटे हुए वो ले लेंगे। इसके ऊपर हम डाल देंगे ये अंकुरित मूंग, मेरे पास है, ये डाल देंगे। और एक बारीक कटा हुआ टमाटर भी डाल देंगे, कुछ उबले हुए चने डाल देंगे, और एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, इसे भी हम डाल देंगे। थोड़े से धनिया के पत्ते कटे हुए डाल देंगे। और अब थोड़े से डाल देंगे अनार के दाने। एक नींबू का रस भी निचोड़ के हम इसमें डाल देंगे। आपको जो भी पसंद है वो और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, जो पसंद ना हो उसे अवॉइड कर सकते हैं। अब स्पेशल चाट मसाला, इसे भी हम स्प्रिंकल कर देंगे। ये मैंने 1 टेबलस्पून इसमें ऐड किया है। और अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें अगर प्याज ऐड करना चाहें तो प्याज भी ऐड कर सकते हैं। जो भी आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो स्टफिंग हमारी एकदम बनकर रेडी हो चुकी है। तो देखा, रंग बिरंगी हमारी स्टफिंग रेडी है। बढ़ते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। ये जो हमने पोटैटोस की बाउल बना के रखी है ना, कटोरी बना के रखी है, इनको हम ले लेंगे और इस पर भी हम जो स्पेशल चाट मसाला है उसे स्प्रिंकल कर देंगे। और अब स्टफिंग को हम स्पून की मदद से डाल देंगे इसमें। और अब आती है चटनियों की बारी। तो सबसे पहले हम खट्टी मीठी वाली चटनी डाल देंगे, उसके ऊपर से तीखी लहसुनी लाल चटनी डाल देंगे, और इसके ऊपर से हम डाल देंगे
मेथी की हरी चटनी और अब फिर से हम इस पे थोड़ा सा स्पेशल चाट मसाला स्प्रिंकल कर लेंगे और कुछ पीनट्स डाल देंगे और थोड़ी सी सेब भी डाल देते हैं और अब अनार के दानों से इसे थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं। तो बस रेडी हो चुकी है हमारी एटम बॉम्ब चाट। देखा आपने कितना आसान है इसे बनाना। इसका जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल मुंह में एकदम एटम बॉम्ब की तरह लगता है। तो आप भी एटम बॉम्ब चाट जरूर ट्राई करें।